हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 7 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 2। इस वीडियो के दो सेगमेंट होने वाले हैं। पहले सेगमेंट में हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, और इसके दूसरे सेगमेंट में उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप जेईई मेन 2021 के एस्पिरेंट हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम 20 डेज में 20 चैप्टर्स के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं थ्योरी वाइज, और उन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इसकी डेफिनेशन सब लोग जानते हैं, और पोटेंशियल को आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं, Vp इज इक्वल टू माइनस ऑफ E dot dr from infinite to that point P। ये पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है। ठीक, ये पोटेंशियल का डेफिनेशन है। यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो आप निकालते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 1 to 2, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम 1 to 2। ये एक अल्टीमेट फार्मूला यहाँ पे आपको मिल चुका है, V2 माइनस V1। दो पॉइंट्स के बीच का यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस जानना है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे डी आर वैक्टर है, इन दोनों का डॉट है, यानी कि इनके बीच का एंगल जो है वो भी मैटर यहाँ पे करता है। अब एक और यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास है कि यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और आपको पोटेंशियल दिया है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल वाई जी कैप एंड माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यदि वेक्टर फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट आप याद रखें, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। दूसरा रिजल्ट आपको याद रखना ये है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है। तो आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी। आप ये यूज कर सकते हैं, या ई डी कॉस थीटा आप इसको लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ई डी कॉस थीटा। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी कॉस थीटा। इसको मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं इससे, कि मान लीजिए आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइक दिस। इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह ई के बराबर है, और एक पॉइंट आपके पास है, ये पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट है आपके पास पॉइंट बी। ए से बी तक पॉइंट को आप मिला देते हैं तो मैं इस वेक्टर को कह रहा हूँ डी, कह रहा हूँ मैं इसको, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डी मैं कह रहा हूँ, इन दोनों के बीच का जो एंगल है मैं उसे थीटा कह देता हूँ। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है, और पोटेंशियल्स में जो डिफरेंस होने वाला है वी बी माइनस वी ए, डेल्टा वी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू डी इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से आप पोटेंशियल में डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक, आपको ध्यान ये रखना है कि पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल की, कि पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर कितना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, और इसकी वजह से आप देखना चाहते हैं कि पोटेंशियल एक आर डिस्टेंस पे रखा हुआ एक पॉइंट है, वहाँ पर कितना होगा। तो पोटेंशियल होता है आपके पास के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ये पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। ठीक, तो KQ by R इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यदि हम पोटेंशियल ड्यू टू रिंग देखना चाहें, ड्यू टू रिंग, आपके पास एक रिंग है और रिंग पे जो टोटल चार्ज है वो प्लस Q के बराबर है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो बट वो रिंग के अबाउट होना चाहिए, और इसके एक्सिस से x दूरी पर हम पोटेंशियल देखना चाहते हैं। तो पोटेंशियल एट एक्सिस कितना होता है आपके पास, के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखें कि एक रिंग की वजह से जो यूनिफॉर्मली चार्ज हो या ना हो उसकी वजह से पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई पूछे पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या है, कहेंगे स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं डायपोल की। इसके बाद हम बात करते हैं डायपोल की। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, डायपोल मोमेंट P है, और एक जनरल पॉइंट पे जो यहाँ से R डिस्टेंस दूर है और ये एंगल थीटा बनाता है, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। यदि आप एक्चुअल पोजीशन पर पोटेंशियल देखना चाहते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, एक डायपोल इस तरीके से है और इसके एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है, पी नहीं रखते इसका नाम, एक एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो होता है आपके पास के, आपके पास पी, थीटा की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर विल बी द पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दैट पॉइंट पी। यदि आप इक्वेटोरियल पोजिशन पे आप पोटेंशियल जानना चाहते हैं, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का मतलब है कि इस डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट रहता है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होती है। तो आपको डायपोल की पूरी कहानी समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं यदि डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो हमने कल सीखा था कि P क्रॉस E जो है उसके ऊपर टॉर्क लगता है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है हमारा डायपोल, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है माइनस ऑफ P डॉट E के बराबर होती है। एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा, आप इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग दिस डायपोल फ्रॉम दिस एंगल टू दिस एंगल। तो यदि हम देखना चाहें कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम रोटेटिंग दिस डायपोल, जिससे उसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा 1 से थीटा 2 हो जाता है, थीटा 1 से थीटा 2 एंगल बदलने में जो आपके पास वर्क करना पड़ता है वो होता है आपके पास U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 के बराबर होता है। यानी कि आपके पास मिल जाएगा माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस पी ई कॉस थीटा 1। तरीके से आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल सकते हैं। यदि आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा जाता है कि थीटा 1 से थीटा 2 जाने में कितना आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क करना पड़ेगा, तो होता है माइनस ऑफ U2 माइनस U1। आप इस तरीके से निकाल देंगे, काफ़ी आसान हो जाएगा। ये हुई साहब बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, अब एक कुछ और रिलेशन देख लेते हैं। यदि आपके पास इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट मान लीजिए सिंगल लेयर है आपके पास, नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं अभी, एक सिंगल लेयर शीट का है और उसकी वजह से हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यदि इस पॉइंट पे यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जानते हैं कि यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी कॉस थीटा, माइनस ऑफ ई डी कॉस थीटा। तो आप मान लीजिए कि इस रीजन में हमारे पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर इसको आप 1 कह लीजिए, इसको कह लीजिए 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो दोस्तों मुझे बताइए किसका पोटेंशियल ज़्यादा, किसका पोटेंशियल कम। हम क्लियरली कह सकते हैं कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और इसका पोटेंशियल कम होगा। यदि इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया जाता है तो ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया जाता है तो आपको एक लाइन मिलती है। 1 से 2 को यदि आप जोड़ेंगे तो आपको ये जो वेक्टर मिलेगा इसका एंगल देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना है। इस लाइन का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री है तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है 0। तो हम लिख सकते हैं कि V2 - V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। डी कितना है इनके बीच का सेपरेशन। मान लीजिए कि R2 वाले पार्टिकल की डिस्टेंस R2 है, 1 वाले पार्टिकल की डिस्टेंस R1 है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन आप लिख सकते हैं R2 - R1 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा V2 - V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R2 - R1। ये आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है इनफाइनाइट वायर। अब इनफाइनाइट वायर है कुछ इस तरीके से और इसकी चार्ज डेंसिटी में मान लेता हूँ लैम्डा के बराबर है। ये इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, नीचे भी इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। यदि हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद करें तो किसी भी पॉइंट पर जो यहाँ से r डिस्टेंस दूर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r या लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये फॉर्मूला आपने सीखा था। यदि हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे हम करेंगे? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो इस डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है कम होने वाली है। तो मैं 2 पॉइंट मान लेता हूँ, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि डिस्टेंस r से चेंज होने वाला है। डिस्टेंस r से यहाँ पे चेंज होने वाला है। मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस जो है 1 पॉइंट की r1 के बराबर है और 2 वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस है r2 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैं इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाला हूँ। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि V2 - V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr का इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2। ये फॉर्मूला था आपके पास फ्रॉम 1 to 2 कि R1 से R2 या 1 to 2, R1 से R2 या 1 to 2। ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि V2 - V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r इंटू dr इंटू cos 0 फ्रॉम R1 to R2। तो यहाँ से dr अपॉन r जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln r। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से V2 - V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2k लैम्डा ln R2 बाय R1। तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं स्फीयर्स की तरफ। स्फीयर्स, पहले हम हॉलो स्फीयर की बात करते हैं। हॉलो स्फीयर, और चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हॉलो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है और कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर होना चाहिए, चाहे वो शेल हो चाहे सॉलिड हो, कंडक्टिंग है तो उसके फॉर्मूले एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के जैसे ही आते हैं। अब ये आपके पास एक स्फीयर है साहब, इसके ऊपर चार्ज जो है वो इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी खुद की रेडियस जो है वो कैपिटल R के बराबर है और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पोटेंशियल कितना है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हमने 0 मान लिया है। तो इनसाइड किसी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है KQ/R। सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R। कैपिटल R है, यानी कि जो सरफेस पर पोटेंशियल है वो इनसाइड हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल है। इवन सेंटर पे पोटेंशियल KQ/R है। आपको बहुत बार फंसाया जाएगा, बताइए सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, लोग 0 जवाब दे देते हैं कभी कभी। तो KQ/R है पोटेंशियल और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और आउटसाइड किसी पॉइंट पे KQ/r के बराबर पोटेंशियल होता है। इनके ग्राफ्स भी आप बना सकते हैं कि आप इनसाइड रीजन में जो है पोटेंशियल कांस्टेंट है और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक रिलेशन आपको मिलेगा कि डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज होता जा रहा है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर, अब सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज जो है वो अंदर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर भी है और अंदर भी है। ठीक, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में ही ऐसा संभव है, क्योंकि कंडक्टिंग यदि स्फीयर होता तो म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से जो चार्जेस हैं ये मैक्सिमम सेपरेशन पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे यदि हम देखना चाहें सेंटर से पोटेंशियल कितना है, तो इसका वेरिएशन देखिए कैसे होता है कि इनसाइड किसी रीजन में कोई पॉइंट है तो उस पर पोटेंशियल होता है KQ/2RQ 3R² - R²। सरफेस पर आपको यदि पोटेंशियल देखना है तो आता है आपके पास से KQ/R के बराबर, और आप किसी आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो KQ/r के बराबर ये हमको मिलता है। और यदि आप सेंटर पे पोटेंशियल देखना चाहते हैं, सेंटर पे पोटेंशियल आता है 3/2 KQ/r। सेंटर पे पोटेंशियल याद रखें 3/2 KQ/r, या फिर आप इस फॉर्मूले में स्मॉल r की वैल्यू 0 पुट कर दें तो आपको मिल जाएगा सेंटर पे पोटेंशियल। फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको। सरफेस पर पोटेंशियल KQ/r और आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल KQ/r के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखें कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आपको मिलेंगे पेपर में कि दो हमारे पास स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस है R1 और दूसरे का रेडियस है R2। इन पे जो चार्जेस हैं इनिशियली वो Q1 और Q2 के बराबर हैं। इनिशियली जो चार्जेस हैं वो Q1 Q2 के बराबर हैं। तो हम जानते हैं कि पूरे जहां हम रहते हैं हमारे आसपास के नेचर में चार्ज का कंजर्वेशन जो है वो वैलिड होता है, यानी चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो हम चाहे इनके साथ कुछ भी करें चार्ज पूरे सिस्टम का कंजर्व रहेगा। तो मैं यहाँ पे चार्ज अभी लिख देता हूँ कि चार्ज पहले कितना है Q1 + Q2, और बाद में भी चार्ज Q1 + Q2 ही रहेगा चाहे हम कुछ भी कर लें इनके साथ। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों स्फीयर्स को कनेक्ट कर देते हैं एक मेटल वायर से। एक मेटल वायर से इनको कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमने की लगा दी। दोनों बहुत बहुत दूर हैं, जिससे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको अफेक्ट ना करे और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अफेक्ट ना करे, तो ये बहुत दूर रखे हैं। अब इन दोनों को जो है ज्वाइन कर दिया जाता है, की को क्लोज कर दिया जाता है। तो की को जब क्लोज करते हैं तो ये कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर समान रहता है। तो ये स्फीयर और ये स्फीयर दोनों की सरफेस का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, पोटेंशियल बराबर हो जाता है। तो यहाँ और यहाँ जो चार्जेस हैं उनका आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिससे पोटेंशियल बराबर हो जाएं, क्योंकि अब पोटेंशियल अलग है, अब पोटेंशियल अलग है, जोड़ने पर पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। तो चार्जेस इस तरीके से फ्लो करते हैं कि अल्टीमेटली फाइनल पोटेंशियल इन दोनों के बराबर हो जाए। तो जैसे ही आप इनको कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पे चार्ज Q1 डैश हो जाता है, यहाँ पे चार्ज जो है वो Q2 डैश हो जाता है। और अभी भी हम कह सकते हैं कि चार्जेस कहीं नहीं गए हैं, इन दोनों का समेशन अभी भी Q1 + Q2 के बराबर आना चाहिए। Q1 डैश + Q2 डैश, इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको कह देता हूँ Q2 डैश। दूसरे इक्वेशन में कह सकता हूँ कि इनकी दोनों के पोटेंशियल अब बराबर हो चुके हैं वायर से कनेक्ट करने के बाद। तो इन दोनों के पोटेंशियल्स बराबर कर दीजिए सरफेस के। इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा KQ1 डैश/R1 इज इक्वल टू KQ2 डैश/R2। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा कि दोनों के ऊपर जो फाइनल चार्जेस हैं वो कितने कितने हो चुके हैं। और मैं आपको नोट करके लिखाना चाहता हूँ एक बात, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद रख सकते हैं। यदि आपके पास स्फीयर्स जो हैं उनके रेडियसेस बराबर हैं, इफ़ R1 की वैल्यू जो है वो R2 के बराबर है, तो क्या होता है कि Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 + Q2/2। तो यदि दोनों के रेडियसेस बराबर हैं तो दोनों पे जो चार्जेस हैं वो इन दोनों चार्जेस का अरिथमेटिक मीन होता है। Q1 + Q2/2, सॉरी इट्स Q1 डैश लिख दिया गया, नहीं Q1 + Q2/2 के बराबर इन पे फाइनल चार्ज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे समझिए कि इसकी वैल्यू जो है वो Q × डेल्टा V के बराबर होती है। डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V, और यदि आप U लिखना चाहें तो आप इसे QV लिख सकते हैं, Q × V। चार्ज इंटू उस पॉइंट पर पोटेंशियल, उस पॉइंट पर पोटेंशियल को यदि चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस चार्ज की जो है उस सिस्टम की जो है पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल जाती है। यदि आप एक पॉइंट चार्ज की बात करें, पॉइंट चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस। तो यदि आपके पास दो पॉइंट चार्जेस रखे हैं Q1 और Q2 और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो स्मॉल r के बराबर है, तो इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी मानी जाती है वो होती है k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r, k Q1 Q2 बाय r। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना है k Q1 बाय r, और ये चार्ज इस पॉइंट पे रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इंटू चार्ज यानी Q2 इंटू k Q1 बाय r इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस होल सिस्टम। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। पोटेंशियल के सारे फॉर्मूले हमने स्टार्टिंग में बता दिए थे, ये फॉर्मूला याद रखें, जीवन आसान रहेगा। अब यदि आपके पास एक दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल चार्ज सिस्टम, मल्टीपल चार्ज सिस्टम। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास तीन चार्जेस हैं Q1, Q2 एंड Q3। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R12, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R13 और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R23। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की निकाली जाती है कि आप एक बार में दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन लीजिए और उन दो के कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी का समीशन ही इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, और कोई जो है रिपीटिशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तीन चार्जेस में से हमें दो के पेयर लेने हैं, तो यानी कि 3C2 NCR इतने नंबर ऑफ पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी जो है आपको लिखनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 and 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 and 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 and 3 इज द सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं कि के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस 1 3 की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं Q1 के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R23 प्लस यहाँ लिख सकते हैं के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे ही आप तीन चार्जेस हों, चाहे चार चार्जेस हों, पाँच चार्जेस हों, तो आप उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो एक सवाल यहाँ पे करते हैं कि आपके पास चार चार्जेस हैं, वो स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखे हैं। अब आपको इन सब की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। आप पेयर बनाना स्टार्ट कीजिए, 1 से पेयर स्टार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, 1 और 2 का पेयर, 1 और 3 का पेयर और 1 और 4 का पेयर। अब 2 का पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं कि 2 3 का पेयर और 2 और 4 का पेयर। अब 3 का पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं U 3 4। ये जो 6 टर्म्स हैं इनका समीशन ही पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है। अब देखिए इनको जोड़िए। 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय A प्लस 1 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी। 1 और 3 के बीच में सेपरेशन A के बराबर है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय A प्लस 1 और 4 की पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहते हैं। 1 और 4 की पोटेंशियल एनर्जी, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो A रूट टू के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे आप के Q1 Q4 डिवाइडेड बाय A रूट 2 प्लस अब 2 3 आप लिखना चाहें, 2 और 3 इनके बीच का सेपरेशन भी A रूट 2 के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे आप के Q2 Q3 बाय A रूट 2 और 2 और 4 की पोटेंशियल एनर्जी। 2 और 4 की पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे के Q2 Q4 डिवाइडेड बाय A प्लस 3 और 4 की पोटेंशियल एनर्जी। 3 कहाँ है, 3 और 4 की पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे के Q3 Q4 डिवाइडेड बाय A। इन 6 का जो सम है वही पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलने वाला है। हेलो बच्चों, जो 11 से 12 मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।